गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर जो 2 है, ओके, वो काफ़ी लंबा है और अभी भी कंटिन्यू है, तो थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर एंड होने में, क्योंकि 15 पेजेस का है ये चैप्टर, ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग कवर करते जा रहे हैं और आज भी हम लोग इस चैप्टर का ये वाला पेज फिनिश कर देंगे, प्रॉपरली समझेंगे इसको। पिछले पेजेस में मैंने अमन और एक लड़का था उसका फ्रेंड, ओके, उसकी हमने एक स्टोरी समझी थी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल से संबंधित थी, ओके। उसके पहले हमने हकीम शेख की जो स्टोरी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, ओके, जिसकी सहायता से हमको बताया गया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको सेवाएं प्रदान होती हैं और किस प्रकार से हमको उसके कंपेरिजन में किस प्रकार से हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएँ प्रदान होती हैं, ओके। दोनों में कंपैरिजन में किया गया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में किस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो फैसिलिटी के तौर पर अच्छे हैं, और बट पैसों के मामले में फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो उनकी स्टोरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो वो आपको पहले समझना है, ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल? जब आप बीमार होते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं आप, ओके, बीमार होने पर, ओके। आर देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ओके। राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, इट मीन्स दैट जब आप कभी बीमार हुए होंगे, ओके, तो आप बीमार होते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्या? लंबी लाइन लगी है, ब्लड टेस्ट के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई है, या कुछ भी पर्ची कटवाने के लिए ओपीडी सेंटर में आपको लगना पड़ रहा है बहुत लंबा, डॉक्टर को बताने के लिए भी आपको लंबा लंबा जो लाइन है उसमें लगना पड़ रहा है आपको, ओके। आपकी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है एक दिन में आती है कि दो दिन में आती है, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको हॉस्पिटल्स में जाती हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के, आपके अनुभव के आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ओके। तो इसको आपको रफ कॉपी में, ये आपका होमवर्क भी रहेगा, ये आपको रफ कॉपी में आपकी, या फिर आपको इंग्लिश में नहीं बनता है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट आपको मुझे ये क्वेश्चंस रफ कॉपी में करके सेंड करना है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? इट मीन्स दैट कि जो अमन नाम का जो लड़का था उसने सरकारी अस्पताल में किन कठिनाइयों का, उसको सरकारी अस्पताल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ओके। अभी मैंने अमन से रिलेटेड पिछले वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी समझाई थी, तो उस स्टोरी में अमन को सरकारी अस्पताल से संबंधित, ओके, या फिर सरकारी अस्पताल में उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ओके। देन How do you think the hospital can work in better manner? In a better manner, discuss. It means that कि आपके विचार से जो अस्पताल है वो कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, ओके? आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है, ओके? आपको कुल मिला के कुछ राय दे सकते हैं आप, ओके? यही क्वेश्चन में बोला गया है, I'm repeating this again, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि What problems did Aman face in the government hospital? Aman ने government जो सरकारी अस्पताल में किन कठिनाइयों का, अमन को सरकारी अस्पताल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ओके? Then how do you think the hospital can work in a better manner? Discuss. अब आप कहने का मतलब ये है कि आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए, ओके। तो ये भी आप अपनी राय दे सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में मुझे करके देना है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड मच मनी? गिव रीजंस। अब रंजन ना अमित का, अमन का एक फ्रेंड भी था रंजन, ओके, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, ओके, कारण बताइए। तो ये भी आपको क्वेश्चन, मैंने स्टोरी आपको समझाई है, किसी को समझ में नहीं आई हो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मेरा, ओके, उसमें मैंने पूरी स्टोरी को प्रॉपरली समझाई है, ओके।
देन क्वेश्चन नंबर थ्री आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी, गिव रीजन, गिव रीजंस, ओके। तो जो रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डिस्कस। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हम उनको बोल सकते हैं निजी अस्पताल, ओके। तो निजी अस्पतालों में हमको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको ये भी डिस्कस करना है, कारण बताना है, चर्चा करना है पहले, और फिर कारण लिख के भेजना है मुझे। तो ये फोर क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये क्वेश्चंस आपको रफ कॉपी में करना है, और मुझे आज का ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरे दिन कल मुझे शाम को 5 बजे के बाद मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये शेयर करना है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये फोर क्वेश्चंस। कुछ निजी अस्पताल भी होते हैं जिनमें हमको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो समस्याएं भी आपको आपस में डिस्कस करना है और बताना है कि कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, ओके। तो ये 1, 2, 3, 4 फोर क्वेश्चंस हैं, आपको ये फेयर कॉपी में नहीं करना है, रफ कॉपी में आज करके अपनी लैंग्वेज में भी आप राइट कर सकते हैं, और मुझे कल शाम को 5 बजे के बाद मुझे मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे हेडिंग पे, ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखो, पहले मैं आपको हेडिंग समझा देता हूँ, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है, देखो, पब्लिक मतलब जहाँ पर हर व्यक्ति, ओके, जहाँ पर जो पब्लिक पूरे पब्लिक का होता है, कहने का मतलब जैसे जिनको गवर्नमेंट चलाती है, जैसे आपने सरकारी अस्पतालों के बारे में सुना होगा, तो सरकारी अस्पताल पूरी पब्लिक वहाँ पर जाती है, और मोस्टली जो इलाज रहता है उसमें कम पैसों में हो जाता है, और जिस पर पब्लिक का पूरा अधिकार होता है, ओके। बट जो प्राइवेट होते हैं वो क्या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के द्वारा, वो पर्टिकुलर एक पर्सन के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे प्राइवेट डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो डॉक्टर का मन है कि कितने बजे वो खोलेगा, कितने बजे वो नहीं खोलेगा क्लिनिक, उसको खोलना है कि नहीं खोलना, ओके, और वो किस प्रकार की हेल्थ से संबंधित सुविधाएं दे रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होता है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट पूरा ऑर्गेनाइज करती है उसको, ओके, उससे संबंधित सुविधाओं को, डॉक्टर्स को, ये पूरा गवर्नमेंट देखती है। बट प्राइवेट में एक पर्टिकुलर एक पर्सन होता है जो पूरी व्यवस्थाओं को देखता है, ओके। अब इसको हम डीपली भी समझेंगे, ये तो मैंने आपको नॉर्मली तौर पर बता दिया। आपने प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज से संबंधित होते हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से संबंधित होते हैं, ओके। बट अभी हम इनको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ा ही बताया। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज। इट मीन्स दैट कि आपने जो ऊपर की स्टोरी है उससे, उसको पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ओके, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं, ओके। देन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ओके, इसके अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऊपर वाले के बारे में, ओके, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ओके। देन द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। मैंने आपको यही समझाया था कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विस इनको हम बोल सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, ओके। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा होती है वो स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक चेन है। चेन मीन्स बोल सकते हैं आप, श्रृंखला है, ओके, जो किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा होती है, ओके, वो किसके द्वारा दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। आपने देखा होगा
जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कितनी दवाई रहना है, कौन कौन से डॉक्टर को रखना है, ये पूरा गवर्नमेंट देखती है। ओके, तो जितने भी जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है वो उसकी जितनी भी सेवाएं होती हैं वो किसके द्वारा रन कराई जाती हैं, किसके द्वारा चलाई जाती हैं, गवर्नमेंट। ओके, देन दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इट मीन्स दैट कि जो क्या होता है कि दे आर लिंक टूगेदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, जो पब्लिक हेल्थ सर्विस और गवर्नमेंट, ओके, जो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो क्या ये क्या करते हैं, दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये दोनों ही एरिए को कवर करते हैं। शहरी, रूरल मीन्स होता है ग्रामीण और अर्बन मीन्स होता है शहरी। ओके, तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मतलब कुछ दोनों दोनों ही एरिए को कवर कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में आपको ये समझाऊंगा कि जो ये होते हैं, ये अस्पताल होते हैं, ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ओके, गेटिंग, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। ओके ओके, जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनको क्या करते हैं, ये उनको कवर करते हैं। ओके, और उन सभी क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उनकी उनका इलाज करते हैं। ओके, देन फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। इट मीन्स दैट कि मतलब जो हमारे गांव के स्तर पर भी एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स, गांव के स्तर पर भी कई सारे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। ओके, वैसे हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ओके, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स, जहां पर क्या होती है, एक नर्स होती है एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, और एक विलेज हेल्थ वर्कर को आप बोल सकते हो कि एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक। ओके, ये वहां पर रहता है। ओके, दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब देखो, ये जो क्या होते हैं, ये जो सामान्य सी बीमारियां होते हैं उनके लिए ट्रेंड होते हैं। ओके, या फिर इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड मीन्स होता है, ट्रेंड मतलब होता है प्रशिक्षण दिया गया। ओके, तो इनको क्या होता है, सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। इट मीन्स दैट आपने देखा होगा कंपाउंडर जो रहते हैं, ओके, तो वो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर जैसा बोलते जाते हैं वैसा वो करते जाते हैं, तो ऐसे ही इनका वर्क होता है, ये डॉक्टर के अंडर में ही वर्क करते हैं, डॉक्टर इनसे जो बोलते जाता है ये वैसे करते जाता है। तो क्या है, ये सीखते भी हैं कि किस बीमारी में हमको कौन सी दवाई देना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है। ओके, अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं बेटे।